नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। पूरी दुनिया कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रही है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था की भी हालत खराब है। लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार भारत में निवेश लाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। बुधवार को ही पीएम मोदी ने इंडिया आइडिया समिट को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने के लिए अमेरिकी निवेशकों को 6 बड़े सुझाव दिए। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की ओर से आयोजित इस समिट में पीएम मोदी ने निवेशकों को बताया कि वो कहां कहां निवेश कर सकते हैं। एफडीआई की तेज रफ्तार, पीएम मोदी ने कहा वित्त वर्ष 2019-20 में भारत में कुल 74 अरब डॉलर एफडीआई आया। पिछले साल की तुलना में ये 20% ज्यादा है। चालू वित्त वर्ष 2020-21 में अप्रैल जुलाई के बीच भारत में अब तक 20 अरब डॉलर का एफडीआई आ चुका है। फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर में करें निवेश। भारत ने इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई का दायरा 49% तक बढ़ा दिया है। इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज के रास्ते 100% एफडीआई को मंजूरी। डिफेंस और स्पेस सेक्टर में करें निवेश। डिफेंस सेक्टर में एफडीआई को 74% तक बढ़ाया जा रहा है। डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोडक्शन पर हम फोकस कर रहे हैं, जिसके लिए 2 डिफेंस कॉरिडोर तैयार किए गए। सिविल एविएशन में निवेश की संभावनाएं। अगले 8 सालों में एयर पैसेंजर्स की संख्या दुगनी हो जाएगी। ऐसे में एयरलाइन बिजनेस काफी तेजी से विकास करेगा। भारत की बड़ी प्राइवेट एयरलाइन अभी से तैयारी में जुट गई। हजारों एयरक्राफ्ट को बेड़े में शामिल करने की योजना है। हेल्थ केयर सेक्टर में करें निवेश। ये सेक्टर 22% की रफ्तार से विकास कर रहा है। भारतीय कंपनियां मेडिकल टेक्नोलॉजी, टेलीमेडिसिन और डायग्नोस्टिक्स के क्षेत्र में तेजी से विकास कर रही। एनर्जी सेक्टर में निवेश की संभावनाएं। पीएम मोदी ने अमेरिकी एनर्जी कंपनियों से भारत में एनर्जी सेक्टर में निवेश की अपील की। इसके अलावा उन्होंने क्लीन एनर्जी में भी कंपनियों को निवेश करने की बात कही। इस तरह से पीएम मोदी ने अमेरिकी निवेशकों को हेल्थ, डिफेंस, इंश्योरेंस, एविएशन जैसे कई क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं के बारे में बताया, जहां वो आसानी से निवेश कर सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर के उद्योगपतियों को भारत आने का न्योता दिया और कहा कि इस सफर में भारत के साथ पार्टनरशिप करने के लिए ये पूरे विश्व के बिजनेस वर्ल्ड के लिए सुनहरा मौका है।